नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान साथियों, आज दिनांक हो चुकी 5 सितंबर 2023, दिन हो चुका है मंगलवार का और समय लगभग होने वाला है अभी 8। आप देख सकते हैं भीड़, बहुत ही गजब की भीड़ देखने को मिली है किसान साथियों आज प्याज की। कल जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज और भी पीछे से स्टार्ट है प्याज का जो है सिस्टम पूरा। और ये जो भीड़ है किसान साथियों, मुझे लग रहा है कि कल 45,000 कट्टे की आमदनी थी, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आज किसान साथियों एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको 55,000 कट्टे की आमदनी है, क्योंकि जितनी लंबी लाइन इस साइड में उतनी ही लंबी लाइन उधर मजेना साइड में भी होगी, क्योंकि मैं भी आ रहा हूं मक्सी साइड से जा रहा हूँ और शायापुर मंडी जा रहा हूँ, और ये लाइन इधर से जा रही है, एक लाइन उधर से भी आती है। दादू थोड़ा साइड कर लो भैया, एक लाइन उधर से आ रही है जो कि मजेना साइड से आ रही है, और वो भी इतनी ही लंबी लाइन है किसान साथियों। तो आप देख सकते हैं हुजूम, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आज प्याज की आमदनी देखने को मिल रही है मंडी में। अभी मंडी पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन मैं यहीं से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 55,000 कट्टे की आमदनी है। क्यों? उसका एक कारण है, सुबह 5 बजे ही गेट खुल जाता है, 5 बजे से ट्रैक्टर वगैरह ट्राली वगैरह सब अंदर जा रहे होंगे, ठीक है। और अभी जो समय है वो 8 बजे बज रहा है, यानी कि 3 घंटे से लगातार वाहन मंडी के अंदर जा रहे हैं 3 घंटे से। देखिए लाइन, देखिए आप, बीच में रास्ता दे रखा है, किसी दुकानदार ने करवाया होगा, वो देख सकते हैं आप। तो किसान साथियों, आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह पानी गिर नहीं रहा है, सोयाबीन वैसे ही खराब हो चुकी है, प्याज को थोड़ा सा संभाल के रखें, धीमी गति से लेके आएँ। भाव तो नहीं बढ़ेगा, ये मैं मानता हूँ कि भाव ज़्यादा 30 रुपये तक जाएगा। आप देख सकते हैं उस साइड में भी, लेकिन मैं उस साइड नहीं जाऊँगा, और नहीं जाने का मेन कारण है मुझे जल्दी जाके वीडियो बनाना है, जल्दी अपलोड करना है, इसी के लिए वो लाइन मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। वो मैंने कल वाले वीडियो में दिखाई थी आपको, अगर देखा हो आपने कल का वीडियो, नहीं देखा हो तो जाइए देखिए, कल भी इतनी ही भीड़ थी। तो चलिए अंदर चलते हैं और वीडियो बनाते हैं, क्या है आज की हालचाल। आवक मैंने आपको बता दी है, आज करीबन 55,000 कट्टे की आज आमदनी बाहर से ही मैं बता रहा हूँ प्याज की। किसान साथियों, आज प्याज में करीब 300 रुपये की मद्दी है, उल्टा गुलटी में भी 300 रुपये की आज मद्दी देखने को मिली है। मद्दी सिर्फ आवक के कारण है और कुछ भी नहीं, एक तो आवक बढ़ी हुई है। गोल्टा गोल्टी में मद्दी तो मद्दी वाजिब है, क्योंकि गोल्टा गोल्टी में बांग्लादेश में 5% की नमी देखने को मिली है, उसी कारण से 3 से 4 रुपये डाउन हुआ है, वो वाजिब है। लेकिन जो प्याज में मद्दी हुई है, ये मद्दी आपकी आवक के कारण हुई है, तो आप आवक पे कंट्रोल रखें, मद्दी होगी नहीं, तेज़ी देखने को मिलेगी आपको, लेकिन आवक पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। किसान साथियों, एक लॉट देख सकते हैं आप, 1980 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला है सब्जी मंडी शाहजहाँपुर में। प्याज की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार उमदा क्वालिटी की है, थोड़ा सा हल्का सा चॉकलेटी हुआ है, अगर हल्का सा चॉकलेटी नहीं होता तो और भी ऊपर जा सकता था, ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार। इसके अंदर जो गोल्टा है वो करीब करीब मान के चले कि 30 से 40% गोल्टा मिक्स है, 1980 रुपये प्रति क्विंटल सब्जी मंडी शाहजहाँपुर। 1600 1600 1600 2 1600 3 1600 4 1600 5 1600 6 1600 7 1600 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
25, 13.50, 13.60, 13.70, 13.80, 13.90, 13.95, 13.95, 1400 रुपया, 1400 कितने ये 1400 राणा जी क्या हुआ 1400 रुपए क्विंटल 1650 1670 1675 1680 90 1700 1711 1712 1715 1725 1751 1755 1760 1765 1770 1775 1780 85 90 95 1800 कट्टे कितने 51 1800 हमीद भाई।
साथियों आप प्याज देखिए, सब्जी मंडी शाजापुर 1900 प्रति क्विंटल के साथ सेल हुआ है। प्याज की साइज बड़ी है लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटी का प्याज है, पूरा पत्ता निकला हुआ गंजा हो चुका है, फिर भी 1900 प्रति क्विंटल। आरिफ भाई एंड संस 1711 1725 1750 1760 1770 80 90 1800 साहिल। चलो ये मकोली का माल है, सुबह ये मकोली, ये मकोली का माल है, 2025 2030 2051 2000। गोल्टा गोल्टा बिक गया 2071 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
किसान साथियों, आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ करीबन आज की जो आवक है प्याज की वो लगभग लगभग है 50,000 से 55,000 रुपए। साढ़े 18, 19, 19, 19, 11, 19, 12, 19, 25, 19, 25, 19, 40, 19, 50, 19, 60, 19, 70, 19, 80, 90, 2000 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 रुपए मनोज दा किसान साहब, जो आप जो देख रहे हैं गोल्टी 1900 प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्जी मंडी से आया हमें शेयर 1700 रुपए प्रति क्विंटल सब्जी मंडी से किसान साथियों, आप जो प्याज देख रहे हैं बहुत ही शानदार क्वालिटी का गोल्टा प्याज है, 1900 रुपए प्रति क्विंटल सब्जी मंडी शाहजहांपुर में सेल हुआ है विनीत ट्रेडर्स। 1900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्जी मंडी शाहजहांपुर में सेल हुआ है। आप क्वालिटी देख सकते हैं प्याज की, बहुत ही उम्दा क्वालिटी है प्याज की, लेकिन इसके अंदर गोल्टा और गोल्टी मिक्स है। आप देख सकते हैं गोल्टा गोल्टी मिक्स है, उसी कारण से 1900 रुपये रेट गया है। चलिए किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट की। तो हिली बॉर्डर की बात कर रहे हैं हम 10 सितंबर 2023 की।
नासिक का गोल्टा गोल्टी यहाँ पर 55 टका तक देखने को मिला है, इंदौर का गोल्टा गोल्टी 49 टका तक देखने को मिला है, राजस्थान का 51 टका तक एक्सपोर्ट हुई, टोटल 20 गाड़ियाँ और बैलेंस में 6 गाड़ियाँ। अब आती बात किसान साथियों खोजादंगा बॉर्डर की, यहाँ पर भी 3 तारीख का ही ये रिपोर्ट है, एक्सपोर्ट 31 गाड़ियाँ, बैलेंस 51 गाड़ियाँ, अहमदनगर का 50 से 54 टका तक देखने को मिला है, नासिक का जो गोल्टा गोल्टी है 52 से 56 टका तक देखने को मिला है हमें खोजादंगा बॉर्डर 3 सितंबर 2023। अब आती बात 3 सितंबर 2023 मेहंदीपुर बॉर्डर की, मेहंदीपुर बॉर्डर में किसान साथियों एक्सपोर्ट टोटल हुई है 80 गाड़ियाँ, बैलेंस में रही है 45 गाड़ियाँ, नासिक का जो गोल्टा गोल्टी है 52 से 53 टका तक एक्सपोर्ट हुआ था, इंदौर का गोल्टा गोल्टी 44 से 48 टका तक, राजस्थान का जो गोल्टा गोल्टी 50 टका तक एक्सपोर्ट हुआ था। अब आती बात हमारी 4 सितंबर यानी कल खोजादंगा बॉर्डर से नासिक का जो प्याज है गोल्टा गोल्टी 51 से 55 टका तक देखने को मिला, अहमदनगर का 50 से 53 टका तक एक्सपोर्ट, टोटल 69 गुणचित्र गाड़ियों का हुआ, बैलेंस में टोटल 22 यानी कि 22 गाड़ियों का बैलेंस देखने को मिला खोजादंगा बॉर्डर से कल की रिपोर्ट। अब आती बात हमारी कल की रिपोर्ट 4 सितंबर 2023 मेहंदीपुर बॉर्डर की, तो मेहंदीपुर बॉर्डर से किसान साथियों एक्सपोर्ट टोटल 57 गाड़ियों का हुआ और बैलेंस में हमारी टोटल 26 गाड़ियाँ रही, राजस्थान का प्याज देखने को मिला 50 टका प्रति केजी, इंदौर का 44 से 48 टका तक, करीबन 4 से 5 टका जो है गोल्टा गोल्टी का रेट डाउन हुआ है बांग्लादेश में, और जो हमारा वो नासिक का है वो 52 से 53 टका। अब आती बात हमारी हिली बॉर्डर की, हिली बॉर्डर पे टोटल एक्सपोर्ट हुई 33 गाड़ियाँ, बैलेंस में रही 10 गाड़ियाँ, राजस्थान का जो गोल्टा गोल्टी है 49 टका तक देखने को मिला, इंदौर का गोल्टा गोल्टी 46 से 47 टका तक, नासिक का गोल्टा गोल्टी 53 टका तक देखने को मिला किसान साथियों। किसान साथियों आपसे विनम्र दोनों हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आवक पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, मुझे पता है कि आने वाले समय में छुट्टियां आ रही है, जिन किसान भाइयों का प्याज ख़राब हो रहा है वो मंडी में प्याज लेकर आए और जिनका प्याज ख़राब नहीं हो रहा है वो मंडी में प्याज लेकर ना आए, ये मेरा दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। किसान साथियों अभी तक आपने हमारा जो वीडियो देखा आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल में पहली बार अगर कोई किसान भाई जुड़ा है, वीडियो हमारा पहली बार अगर कोई किसान भाई देख रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसका लाइक का टारगेट है 1000, कमेंट का टारगेट है 1000 और शेयर का टारगेट है 10000 लोगों तक वीडियो को शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कुछ हमारी शाजापुर मंडी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो मेरा हमारे शाजापुर के थाना प्रभारी और हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं उनसे निवेदन है, दोनों हाथ जोड़कर मंडी समिति अध्यक्ष जो हैं उनसे भी दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे यहाँ का जो मंडी का जो है वो निराकरण करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, हमारी मंडी में जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो उसका निराकरण एक ही है, गल्ला मंडी पूरी खाली पड़ी हुई है, तो आप गल्ला मंडी के अंदर हमारी जो खाली ट्रालियाँ हैं उनको लगवाइए, उसी के साथ जो भरे ट्रैक्टर जो हमारे रोड पर लगे हुए हैं उन्हें आप हमारे जो भरे ट्रैक्टर हैं उनको आप हमारी गल्ला मंडी में खाली लगवाइए। देखिए गल्ला मंडी जब भी स्टार्ट होगा, गल्ला मंडी में जब आना सोयाबीन स्टार्ट होगा उस टाइम पे गल्ला मंडी में से स्वतः ही जो हमारी जो खाली ट्रालियाँ और भरी ट्रालियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम तक जो प्याज लोगों के पास बचेगा नहीं। तो ये मंडी समिति अध्यक्ष जी से और मंडी समिति के पूरे सदस्यों से और कलेक्टर महोदय से, SDM महोदय से और TI महोदय से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो गल्ला मंडी खाली पड़ी हुई है इसके अंदर हमारी खाली ट्रालियाँ और भरी ट्रालियाँ लगवाएं, ताकि ये हमारी जो प्याज मंडी है इसके अंदर थोड़ी सी भीड़ कम हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर पानी की समस्या है मंडी के अंदर, तो पानी की समस्या को भी थोड़ा सा दूर करें, जो भरे ट्रैक्टर हैं हमारे वो खाली ट्रैक्टर है ये गल्ला मंडी में लगाएं, ये मेरा कलेक्टर महोदय से, हमारे थाना प्रभारी महोदय से, SDM से, मंडी समिति से और मंडी समिति अध्यक्ष से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय भारत वंदे मातरम। आप जो लहसुन देख रहे हैं 13,300 रुपये प्रति क्विंटल, सब्जी मंडी शाजापुर उमिया ट्रेडर्स पर, श्री उमिया ट्रेडर्स पर सेल हुआ है सब्जी मंडी शाजापुर में। आप देख सकते हैं क्वालिटी किस प्रकार की, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के लहसुन है किसान साथियों, चाकू से कटिंग हुई है किसान साथियों, सफाई होती है इसकी, बहुत समय लगता है इसको सफाई करने में, और सफाई वाली लहसुन है किसान साथियों, हर किसान ला सकता है इसे, ये कट्टी में लेके आए हैं, ये अगर बॉक्स में आती तो यही लहसुन 13,300 की जगह 14,300 तक चली जाती किसान साथियों, और ये जो लहसुन का एक और
लोड देख रहे हैं झीरी आप, ये 10,300 प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्जी मंडी शाजापुर श्री उमिया टेलर पर सेल हुई है। किसान साथियों आप एक और लोड देख सकते हैं 11,800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्जी मंडी शाजापुर श्री उमिया टेलर पर लहसुन सेल हुई है। देख सकते हैं आप क्वालिटी लहसुन की किस प्रकार की है किसान साथियों, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की लहसुन है, लेकिन अगर सफाई करके लाते हैं तो ये 12-12.5 से ऊपर चली जाती है। दादा क्या नाम है? बलराम पाटीदार। कौन सा गाँव? छापीहेड़ा। कहाँ पे आई हो? ये संडावता के पास में जीरापुर। बहुत दूर है यार भाई साहब। हाँ। कई कितना कट्टा लेना आया? 10 कट्टा लाया। और कितना रखा है लहसुन का? 80 कट्टा और है। कई भाव गई? ये 11,800। 11,800 ठीक है भाई साहब। आपको कई नाम भाई साहब? दिलचार। आप कहीं माल खरीदता होगा? मैंने लिया लाट। आपने लिया है? ठीक है भाई साहब। हमारा ससुराल का लहसुन था। अरे क्या बात है, क्या बात है, 500 ज्यादा बड़ा के लिए। अरे वाह यार भाई साहब, वाह यार। आपका क्या नाम है साहब? प्रवीण पाटीदार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? छपेड़ा के रहने वाले हैं। छपेड़ा के संडावता छपेड़ा। कितना कट्टे लेके आए लहसुन के? 5 कट्टे लेके आए। और कितने रखे हुए हैं? और रखे हैं 60 कट्टे। 60 कट्टे ठीक। क्या रेट गया अपना? 11,100। किसान साथियों एक और देख सकते हैं आप, 11,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्जी मंडी शाजापुर में लहसुन सेल हुआ है।